हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हितेश और आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्रांड न्यू ट्राइपॉड। आप लोगों को पता है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और बर्ड फोटोग्राफी करते हुए एक अच्छा ट्राइपॉड होने की, एक स्टेबल ट्राइपॉड होने की, साथ में फ्यूड हेड भी हो, कितनी ज़्यादा जरूरत होती है। हमारे कितने शॉट्स हैं जो सिर्फ इस वजह से मिस हो जाते हैं क्योंकि हमारा ट्राइपॉड या तो शेक कर जाता है या हमारे पास ट्राइपॉड नहीं होता है। तो इस ट्राइपॉड में ऐसा क्या खास है, इसका मॉडल नंबर क्या है, ये मुझे कितने का पड़ा और इसकी अनबॉक्सिंग, चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल बताता हूँ। इमेज कंपनी है, मॉडल नंबर मैं आपको अंदर बताता हूँ। बॉक्स तो अच्छा है, अब अंदर देखते हैं पैकेजिंग कैसी है। अभी मैं फील्ड में हूँ तो मैं लाइव आपको टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा डायरेक्टली कि क्या क्या है इसके फीचर्स और ये कैसा है यूज़ करने में। ये ट्राइपॉड है और ये इसके अंदर भी कुछ इक्विपमेंट है, इसको हम चेक करेंगे क्या है। बॉक्स में अभी यहाँ रख रहा हूँ और ऑब्वियसली मैं फील्ड में हूँ, मैं इसको वापस लेके जाऊँगा अपने साथ। अब इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। ये है ट्राइपॉड और अंदर आपको मिल जाएगा इसका मैनुअल। मॉडल नंबर है EI7010A। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, अगर आपने लेना हो तो आप वहां से भी ले सकते हो। और ये है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड के साथ ये आपको मिल जाता है इसका हैंडल। अब ये सब असेंबल कैसे होता है, लगता कैसे है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये है ट्राइपॉड। बिल्ड क्वालिटी तो इसकी काफ़ी अच्छी है और इसका एक एडवांटेज मेरे को ये लग रहा है कि ये काफ़ी लाइट भी है वेट में, इजी टू कैरी भी है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। अब इसको एक बार हम कैमरे के साथ कनेक्ट करके देखेंगे, उससे पहले इसकी हाइट और बाकी एडजस्टमेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे ग्रिप भी लगा रखी है ताकि ये आपके हाथ से स्लिप ना हो, जब बाहर फील्ड में होते हैं तो कई बार सेटिंग की वजह से स्लिप हो जाता है। और एंटी स्किड के लिए इन्होंने यहाँ पे रबड़ भी लगा रखा है। तो अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप किसी मॉन्यूमेंट वगैरह में हैं और वहाँ पर आपको टाइम लैप्स लेना है या कोई लॉन्ग एक्सपोजर का शॉट लेना है, तो उसमें ये एंटी स्किड वाला आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। ये है इसकी हाइट। इतने लेकिन ये और बढ़ भी सकती है, उसके लिए आपको इसको यहाँ से लूज करके कनेक्शन को, देन आपको इसको ऊपर करना होगा। तो इसकी हाइट आप 6 फुट तक ले जा सकते हैं। अब इसकी हाइट 6 फुट है बट मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं है, मेरे हाइट से ये ज़्यादा ऊपर हो गया। बट इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर आपकी हाइट भी मेरे जितनी है और आपको 6 फुट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप कहीं पे हो जहाँ पे कंडीशन थोड़ी विंडी है, तो उस केस में कई बार होता है कि हमें लगता है यार नीचे की जो लेग्स होती है ना वो थोड़ी पतली होती हैं तो वो शेक ना करें, तो आप इसको एक स्टॉप कम पे ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ट्राइपॉड की लेग्स है उसको डबल स्ट्रेंथ मिल जाएगी और जैसे कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, बाद में आप यहाँ से हाइट इंक्रीज़ कर सकते हो दोबारा और इसको आप यहाँ पे ऐसे लगा के टाइट कर सकते हो, आप इसको इजीली ऐसे रोटेट कर सकते हो, जो कि इस कैमरे का मेन फीचर है। स्टेबिलिटी, बॉल हेड, कहीं भी कैमरा आप लगा के इसको टेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको इसमें अपना कैमरा लगा के दिखाता हूँ। ये प्लेट मिल जाती है, प्लेट में आपके 2 नट मिलते हैं, एक जो बड़े कैमरे में लगता है, एक जो नॉर्मल कैमराज में लगता है। तो ये आपको देखना है कि आपके कैमरे में कौन सा वाला लगेगा और जो नहीं लगेगा उसको आप यहाँ से इसको ओपन करके उस वाले नट को आप निकाल के रख देना, अदरवाइज़ वो बॉडी और ट्राइपॉड के बीच में आएगा और आपकी जो बॉडी है, कैमरा बॉडी जो है, वो सही से फिट नहीं होगी। लेकिन दूसरे नट को भी संभाल के रखना, इनकेस अगर आप बाद में अपग्रेड करते हो या कोई और आप कैमरा यूज़ करते हो तो आपको हो सकता है इसकी भी ज़रूरत पड़े। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लगेगा कैसे। ये लगाने के लिए आपको अपने कैमरे को ऐसे लगाना है एंड देन आपको रिक्वायरमेंट रहेगी एक कॉइन की, यहाँ से आप इसको अच्छे से टाइट कर लेना।
मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से टाइट कर लो और चेक जरूर कर लेना एक बार। टाइट करने के बाद आपको इस बटन को प्रेस करना है, ये जो लीवर है ये थोड़ा आगे की तरफ हो जाएगा और आपको प्लेट को ऐसे स्लाइड इन कर देना है। स्लाइड इन करने के बाद याद से आपको इसको टाइट कर लेना है यहाँ से। अभी आपका प्रॉपर लॉक। कैमरा फिट करने के बाद आपको इसको अपने हिसाब से एक्सेस कैसे करना है, इसको फिजिबल कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो बटन है इसको आपको हल्का ढीला करना है, ये एक्चुअली आपका ये हैंडल वाला बटन है, आपको किस तरीके से हैंडल को रखना है, जैसे आपने इसको इस तरीके से रखना है कि मैं इतना रखूँगा तो मेरे को ईजी रहेगा मूव करने के लिए। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको यहाँ से दोबारा लॉक कर देना है। उसके बाद के जो बटन है वो मैं बता देता हूँ। ये वाला बटन है इसको अप डाउन मूव करने के लिए, एंड देन ये है आपका इसको राइट लेफ्ट मूव करने के लिए। अब आपका ये कैमरा अच्छे तरीके से लॉक है, आपने हैंडल अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है और आपको ये देखना है कि आपको इसको कितना टाइट रखना है, कितना लूज़ रखना है, कि बहुत ज़्यादा भी लूज़ नहीं रखना कि एकदम ही आपने इसको छोड़ा और कैमरा एकदम से डाउन चला गया। हैवी लेंसेज में प्रॉब्लम हो सकती है उसको लेके, इतना ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं है, जैसे मैं इसको भी कैरी करके चल रहा हूँ तो भी मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं हो रही है कि मेरे शोल्डर पर बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ रहा हो या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो बर्ड्स के क्विक मूवमेंट्स को भी फॉलो करने में कोई इतना इशू नहीं आ रहा है और काफ़ी हैंडी भी लग रहा है ये। वैसे ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन तो मुझे इस ट्राइपॉड पर काफ़ी अच्छा लगा, स्टेबल भी है, सब कुछ है। और एक चीज़ और मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप किसी भी ट्राइपॉड को यूज़ करो, चाहे वो कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो, अगर आपके कैमरे में ये बेल्ट है तो इसको आप या तो होल्ड करके रखना या किसी तरीके से अड़ा के रखना, हमेशा किसी और चीज़ पर डिपेंड होना ठीक नहीं होता। बट अभी बात करूँ इस ट्राइपॉड की तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी स्टेबल लगा और वीडियोज़ में भी मुझे लग रहा है कि जो अभी थोड़ा बहुत शेक आता था वो अब शायद ना आए इस ट्राइपॉड को यूज़ करने के बाद। अगर आप भी बर्ड फोटोग्राफी करते हो, लैंडस्केप वाइल्ड लाइफ या कोई भी फोटोग्राफी करते हो तो एक बार आप इसे ज़रूर चेकअप करना, इसका लिंक मैं नीचे बायो में मेंशन कर दूँगा। होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी यूज़फुल लगी होगी, इसमें मैंने आपको इस ट्राइपॉड के बारे में बताया, इसका मॉडल नंबर मैंने बताया था, ये आपको 4500 से 5000 के बीच में मिल जाएगा। एक प्रो टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं भी है, आप फिर भी वीडियो बना रहे हो, कोई मूवमेंट कैप्चर कर रहे हो और आपको डर है कि शेक आएगा, ट्राई टू मेक इट इन स्लो मोशन। आप स्लो मोशन को बाद में फास्ट कर सकते हो, कोई जर्क वगैरह नहीं आएगा, एडिटिंग में भी आप उसे संभाल सकते हो, लेकिन अगर आप फास्ट बना रहे हो और बाद में उसे आप स्लो करते हो तो वो कई बार जर्क मारता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। कोई और आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।